भिलवाड़ा में कोटड़ी तहसील में रात को जो घटना घटित हुई सबको हिला देने वाली है। एक 15 साल की बच्ची के साथ दुराचार करके उसको कोयले की इलीगल भट्टियों में जला देना, राख कर देना, मैं सोचता हूं देश भर में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जब बच्ची गुम हो जाती है तो परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी बच्ची गुम हो गई। पुलिस को उनको मदद करने की बजाय उनको परेशान किया जाता है, कहां गई, क्यों गई, किसके साथ गई, आधार कार्ड लाइए। लेकिन जब गांव के लोग ही उस बच्ची को ढूंढने निकल जाते हैं, परिवार के लोग ही, तो एक कोयले की 5 भट्टियों में से एक भट्टी जलती हुई दिखाई देती है और उसमें जब पता चलता है, वो निकालते हैं तो कोई हाथ निकलता है, कहीं उसका कड़ा निकलता है, तब पता लगता है कि उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया। ऐसी दरिंदगी घटनाएं राजस्थान में एक के बाद ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के पानी की बोतल में पेशाब डाल दिया गया। अब जब लोगों ने इसको आक्रोश जताया तो उसके ऊपर लाठियां बांधी गई। ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ और दुष्कर्म हुआ। ये वही भीलवाड़ा है जहां शाम के ऊपर बेटियों को, बच्चियों को बेच दिया जाता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी शर्म के मारे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप गृह मंत्रालय नहीं समझता है तो क्यों ऐसे कुर्सी से चिपके हुए? राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो राजस्थान को शर्मसार करने वाली, कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। आप नारी की, बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राजस्थान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? मैं सोचता हूं इससे बड़ी निंदा तुरंत ही जिन लोगों ने इसमें कोताही बरती है, प्रशासन ने उस परिवार को गुमराह किया है, गुमाया है, ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। नरसिंहपुरा कोटड़ी की घटना, भीलवाड़ा की घटना सरकार के माथे पर कलंक है। एक नाबालिग बालिका घर से अपहृत की जाती है और जिंदा जला दी जाती है। लाश के सत्विक्षित टुकड़े मिलते हैं, वो भी परिवार के लोगों को कोयले की अवैध रूप से चलती हुई भट्टी में। परिवार गुहार लगाता घूमता रहता है कि FIR दर्ज करो, हमारी बेटी को ढूंढो, पर ऑनलाइन FIR दर्ज करने की दम्भ भरने वाली सरकार के नुमाइंदे FIR दर्ज नहीं कराते। ये घटना पहली घटना नहीं, प्रति सप्ताह कहीं न कहीं निर्भया आकार का कांड आकार लेता है। ये दुर्भाग्य है। सरकार से मांग है कि इस घटना की तह तक जाएं, किस प्रकार वो बच्ची जलते हुए कोयलों की भट्टी में पहुंची, सख्त वस्ती से उसके टुकड़े मिले शरीर के, कौन है वो दोषी, सरकार उनको ढूंढ निकाले, वरना बड़े आंदोलन करने के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं।